अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली वासियों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी। सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य गरीब परिवारों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना है और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वर्तमान आर्थिक हालात और महंगाई से पैदा हुई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित करने के उपाय किए थे कि किसी को भी खाद्य और सुरक्षा का सामना न करना पड़े। इन प्रयासों के तहत NFSA राशन PDS लाभार्थियों को अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक मुफ्त वितरित किया गया था। इसे बाद में मई 2021 से मई 2022 तक बढ़ा दिया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी NFSA लाभार्थियों को मिलने वाले गेहूं, चावल के अलावा दिल्ली सरकार ने मुफ्त चीनी देने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थियों को चीनी सब्सिडी योजना के तहत मुफ्त चीनी उपलब्ध करवाएगी। AAY कार्ड धारकों को चीनी का वितरण जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक एक वर्ष के अवधि के लिए निःशुल्क किया जाएगा। अंत्योदय अन्य योजना श्रेणी के कार्ड धारकों को चीनी सब्सिडी योजना के तहत चीनी के मुफ्त वितरण का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाया गया, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार के इस निर्णय से 68,747 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड धारकों सहित लगभग 2,80,290 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इस पहल के कार्यान्वयन के लिए लगभग 1.11 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट की आवश्यकता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।